सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मीडियम टेम्परेचर सोलार थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मीडियम टेम्परेचर सोलार थर्मल पावर प्लांट होता है वो यहाँ पे उसका जो फ्लूड होता है यानी कि वर्किंग टेम्परेचर जो फ्लूड का होता है वो 150 से लेकर 300 सेल्सियस तक में ये काम करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका हम डायग्राम देख के इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे सोलर रेडिएशन, जहाँ पे सोलर रेडिएशन या सोलर थर्मल पावर प्लांट की बात होती है, किसी भी चीज की सोलर में बात होती है तो सोलर रेडिएशन होता है वो मेन पार्ट इंपोर्टेंट होता है। जो सूर्य में से यानी कि सन में से जो रेज निकलती है, किरणें निकलती है, उसको हम यहाँ पे सोलर रेडिएशन बोलते हैं दोस्तों। तो सूर्य में से जो सूर्य टेम्परेचर मिलेगा हमें, तापमान मिलेगा सूर्य का, वो यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लूड यानी कि ट्यूब के ऊपर गिराएंगे। वो ट्यूब के ऊपर गिरने की वजह से यहाँ पे जो ट्यूब के अंदर जो फ्लूड होगा वो यहाँ पे गर्म होगा, हीट होगा, और यहाँ पे उस मदद से यहाँ पे वर्किंग होगा। तो चलिए इसके बारे में आगे डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोलर रेडिएशन आ गया, फिर यहाँ पे वो सोलर रेडिएशन यहाँ पे ट्यूब के ऊपर गिरेगा। जैसे कि हमारा कोई वो सोलर प्लांट होता है ना, जो यहाँ पे हम पानी गर्म करने के लिए, या सोलर हीटर होता है, सोलर हीटर प्लांट, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें वो प्लेट के ऊपर गिरती है, वो टंकी रखी होती है, वो टंकी में पानी गर्म होता है। तो सेम यहाँ पे यही चीज होने वाली है दोस्तों, सोलर रेडिएशन है वो यहाँ पे इस ट्यूब के ऊपर गिरेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरेज टैंक होगा, इस स्टोरेज टैंक के अंदर हम यहाँ पे पानी को भर के रखेंगे, ठीक है। अब ये सोलर स्टोरेज टैंक है, उसके अंदर से यहाँ पे बाहर पानी निकलेगा, वो ठंडा पानी निकलेगा। ये कोल्ड पानी यहाँ पे स्टोरेज टैंक में से पंप के थ्रू निकल के हम यहाँ पे इसको कोल्ड पानी को यहाँ पे ट्यूब के अंदर डालेंगे। अब क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन है वो ट्यूब के ऊपर गिरेगा, ये ठंडा पानी ट्यूब में से जाएगा, तो ये दोनों जो सोलर रेडिएशन है उसकी मदद से ये ठंडा पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा। उस गर्म पानी को हम वापस स्टोरेज टैंक के अंदर लाएंगे। स्टोरेज टैंक के अंदर यहाँ पे डिवाइड होने वाले दो पार्ट होते हैं, एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी यहाँ पे रख सकते हैं इसके अंदर, स्टोरेज टैंक के अंदर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो ये जो स्टोरेज टैंक है ये पूरी साइकिल होगी, ये पहली साइकिल है, सोलर रेडिएशन, हॉट वाटर, स्टोरेज टैंक, पंप, कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ये पहली साइकिल हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, स्टोरेज टैंक के अंदर जो पानी हमने डाला गर्म पानी, उसको हमें कहीं पे लेके तो जाना पड़ेगा ना, तो ये जो गर्म पानी है उसको हम यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पहले आ गया हीट एक्सचेंजर। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है हीट एक्सचेंजर है वो क्या काम करता है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेके आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बारे में मतलब एनिमेटेड वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किस तरह हीट एक्सचेंजर होता है, वो प्रॉपर काम करता है, सेपरेट वीडियो उसका रहेगा दोस्तों, ठीक है। हीट एक्सचेंजर का मेन काम होता है, उसके नाम से ही आपको पता चलेगा, हीट एक्सचेंजर, हीट यानी कि ऊर्जा, उसको एक्सचेंज करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरित करना। मान लो कि मेरा हाथ ठंडा है, अगर मेरा ठंडा हाथ कोई और आके पकड़ लेगा तो वो बोलेगा कि आपके हाथ तो काफी ठंडे है, ठीक है। तो उसको ये हीट ट्रांसफर हुआ, मेरा जो हाथ ठंडा था वो ठंडी हीट उसको ट्रांसफर हुई, तब उसको पता चला कि मेरा हाथ ठंडा है। तो सेम टू सेम यहाँ वही काम होगा। तो चलिए उसको देखते किस तरह होगा। तो यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक है उसके अंदर से हम गर्म पानी निकाल के ट्यूब के अंदर, देखो हीट एक्सचेंजर है उसके अंदर एक ट्यूब रखी हुई है, आपने देखा वो एक आपको दिख रही है ट्यूब ट लिखी हुई, तो वो ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया गर्म पानी को। अब ये गर्म पानी ट्यूब में से होते हुए बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकल के पानी वापस जाएगा स्टोरेज टैंक के अंदर। अब क्या होगा, जो गर्म पानी स्टोरेज टैंक में ये वाला है ना, ये वाला गर्म पानी ट्यूब में गया, अब ये ट्यूब में गया, ट्यूब में जाने के बाद वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो पानी यहाँ पे बाहर निकल के वापस स्टोरेज टैंक के अंदर जाएगा। वो स्टोरेज टैंक के ठंडा पानी वापस पंप के थ्रू कोल्ड वाटर होके, सोलर रेडिएशन से होते गर्म पानी होके वापस हीट एक्सचेंजर में आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गर्म पानी स्टोरेज टैंक में से निकल के गर्म था वो हीट एक्सचेंजर के अंदर आया, अब हीट एक्सचेंजर में से वो पानी ठंडा कैसे हुआ, तो ये ठंडा होने का कारण आपको बताता हूँ दोस्तों, ये अगली साइकिल में हमें पता चलेगा। तो ये होगी अपनी दूसरी साइकिल, ठीक है। अब वापस जो मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि वो ठंडा कैसे हुआ। अब ये जो गर्म पानी अंदर गया ना ये ट्यूब के अंदर, जो ये गर्म पानी ट्यूब के अंदर गया,
तो अब ये ट्यूब के अंदर जाने की वजह से यहाँ पे जो ट्यूब है, ये हीट एक्सचेंजर, उसके ट्यूब की आसपास में ये भरा होगा पानी, एक दूसरा पानी, ठीक है, वो पानी भी आएगा, वो भी बताऊंगा। तो अभी ये समझ लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर के अंदर पानी भरा हुआ है, वो पानी यहाँ पे ये हॉट वाटर गया ना, ये हॉट वाटर गया और अंदर ऑलरेडी ठंडा पानी था, तो ये गर्म पानी उस ठंडे पानी को गर्म करेगा, ठीक है, हीट करेगा। हीट करने के बाद वो गर्म पानी यहाँ पे देखो वेपर, वेपर यानी कि वराड़ बन गई, स्टीम बन गई, वो स्टीम बन के यहाँ पे आएगा टर्बाइन के ऊपर। अब ये टर्बाइन के ऊपर आने के बाद, उसके बाद ये टर्बाइन में से जो भी यूज होने के बाद, मतलब टर्बाइन को घुमाने के बाद जो भी स्टीम बचेगी उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ये जो वेपर यानी कि पानी बाहर निकालने के बाद उसको यहाँ पे सरफेस कंडेंसर के अंदर लिया जाता है दोस्तों। अब सोचिए, सरफेस कंडेंसर है, उसके अंदर ये पानी डालने के बाद ये पानी भाप थी, उस भाप को हम यहाँ पे सरफेस कंडेंसर के अंदर डालने के बाद उस भाप का यहाँ पे पानी में रूपांतरित हो जाएगा। वो पानी को हम यहाँ पे पंप के थ्रू वापस निकल के फ्लूड को हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल देंगे दोस्तों। अब इतना समझ लीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अपने पास जो हीट एक्सचेंजर था उसके अंदर हमने जो वेपर लिखा हुआ है ना, वो वेपर कैसे, अंदर वेपर कैसे बना, कुछ था तो नहीं। तो ये जो सरफेस कंडेंसर में से डालने के बाद जो पानी पंप के थ्रू खींच के हमने फ्लूड लिखा हुआ पानी अंदर डाला ना हीट एक्सचेंजर के अंदर, वो फ्लूड यानी कि पानी है, वो पानी यहाँ पे भाप थी, उस भाप में से पानी में रूपांतरित करके, पानी में रूपांतरित कैसे हुआ, सरफेस कंडेंसर के अंदर, वो मैं बाद में बताता हूँ। सरफेस कंडेंसर के अंदर भाप में से पानी में किस तरह रूपांतरित हुआ, अभी ये समझ लीजिए कि ये वेपर बनी वो पानी कहाँ से आया। तो ये सरफेस कंडेंसर में होते हुए पानी भाप में से पानी बनके ये फ्लूड हमने हीट एक्सचेंजर के अंदर डाला, वो जो पानी बना वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा, ठीक है, वो हल्का सा गर्म हीट एक्सचेंजर में अंदर गया और जो स्टोरेज टैंक में से आया वो फुल हीटेड था, फुल गर्म था। वो अब क्या करेगा, ये फुल हीटेड पानी जो थोड़ा सा गर्म था उस पानी को ज्यादा गर्म करके भाप बना देगा। ये भाप बनी हुई उसको हम यहाँ पे वेपर को यूज में लेके स्टीम टर्बाइन को घुमाएंगे, उसके बाद ये स्टीम टर्बाइन का पानी सरफेस कंडेंसर के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि हीट एक्सचेंजर के अंदर पानी कहाँ से आया था। तो ये हो गई अपनी तीसरी साइकिल, कौन सी तीसरी साइकिल, पहली थी कौन सी, कोल्ड वाटर स्टोरेज रेडिएशन, रेडिएशन में से होके स्टोरेज टैंक में आया वो पहली, दूसरी थी स्टोरेज टैंक हीट एक्सचेंजर वाली दूसरी, अब तीसरी है हीट एक्सचेंजर स्टीम टर्बाइन सरफेस कंडेंसर लगे पंप से लेके वापस आया हीट एक्सचेंजर, वो हुई तीसरी साइकिल, ठीक है दोस्तों। अब आया हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि सरफेस कंडेंसर के अंदर ऐसा क्या है जो भाप को वापस यानी कि जो वराड़ है उसको हम यहाँ पे पानी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो उसका आंसर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो सरफेस कंडेंसर था उसके अंदर जो स्टीम में टर्बाइन में से निकली हुई स्टीम थी उसको हमने यहाँ पे सरफेस कंडेंसर में डाला और उसका पानी में रूपांतरित हो गया। अब वो होने का कारण है, यहाँ पे सरफेस कंडेंसर के अंदर आपको ट्यूब दिख रही है, देखिए दोस्तों वो ट्यूब दिख रही है, उस ट्यूब में हम यहाँ पे ठंडा पानी डालेंगे। वो कैसे आता है, तो देखिए पहले स्टीम टर्बाइन था उसमें से वो पानी गर्म निकला, देखो ये वाला पानी निकला वो था स्टीम, ये पानी नहीं है स्टीम है, क्या है वो स्टीम यहाँ पे सरफेस कंडेंसर के अंदर आ गई दोस्तों, ठीक है। अब ये सरफेस कंडेंसर के अंदर आने के बाद यहाँ पे वो जो ट्यूब है उसके अंदर भी हम पानी डालेंगे, वो पानी यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे गर्म हो जाएगा, उस पानी को हम यहाँ पे जो हमारे पास कूलिंग टावर होता है कूलिंग टावर के ऊपर डालेंगे, ऊपर डालने के बाद नीचे जब आएगा कूलिंग टावर के अंदर मतलब स्प्लिट कर देंगे, फैला देंगे, तो कूलिंग टावर की मदद से हम यहाँ पे नेचुरली उसको ठंडा करेंगे। अब नेचुरली ठंडा होने के बाद ये पानी को कूलिंग टावर से निकाल के बाद में पंप के थ्रू यहाँ पे हम इस ट्यूब के अंदर डालेंगे। अब ये ठंडा पानी ट्यूब के अंदर जाएगा, ये पूरा ट्यूब में से घूमते घूमते वापस हॉट लिखा है वो गर्म हो जाएगा। कैसे होगा गर्म, तो जो स्टीम में टर्बाइन में से निकली हुई स्टीम है उसको यहाँ पे ये कोल्ड यानी कि ठंडा पानी वो स्टीम को भाप यानी कि पानी में रूपांतरित करने के लिए यहाँ पे कोल्ड पानी की जरूरत पड़ती है। कोल्ड पानी उस भाप के संपर्क में आएगा, उस भाप को यहाँ पे ठंडा करेगा और साथ में उसको यहाँ पे पानी में रूपांतरित कर देगा। तो इस तरह ये हो गई हमारी चौथी साइकिल दोस्तों, ठीक है।
अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल हमारा रहेगा कि मान लो हम यहाँ पे कोई चाय बनाते हैं या फिर कोई खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय हम यहाँ पे जो कुकर होता है अपना, जो कुकर उसको हम यहाँ पे कुकवेयर को गर्म पानी अंदर डाल दिए, वो पानी हम जो मटके में से पानी लेके सब्जी पकाने के लिए जो पानी अंदर डालते हैं मटके कुकर के अंदर, कुकवेयर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ठंडा पानी मटके में से लिया, उस पानी को हमने कुकर के अंदर डाला, साथ में डाल दी सब्जी। अब सब्जी है वो हमारा हो गया क्या यहाँ पे पानी हो गया ऑलरेडी, मतलब या फिर गरम कोई पदार्थ ले लो, ठीक है, हो गया, तो उसको हमें उसको हीट करके उसको पकाना है, तो उसके लिए हम अंदर पानी डाल देते हैं, वो पानी ठंडा था। अब हम नीचे से आग जलाएंगे, आग जलाने के बाद वो पानी थोड़ा 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 गर्म होगा, गर्म होने के बाद कुकर की सीटी बजेगी, तब वो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हुआ, किस में हुआ, स्टीम में दोस्तों, ठीक है। तो वो स्टीम यहाँ पे सिटी थोड़ी सी ऊपर होगी तो बाहर निकलेगी। अब जब आप वो स्टीम बाहर निकलती, तब आप वहां पे हाथ रखोगे ना अपना, तो भाप आपको गर्म लगेगी, आपको ऐसा फील होगा कि जलन हो रही है, ठीक है। तो आप जलन ना हो इसलिए थोड़ा सा हाथ हल्का सा चेक करने के लिए रखोगे, और वो हाथ आप यहाँ पे रखोगे तो भाप आपकी गर्म भाप होगी, वो हाथ में आएगी, हाथ के संपर्क में आएगी, आपको गर्म लगेगी और हल्का सा मतलब वेट यानी कि भीना हुआ हाथ, भीगा हुआ हाथ लगेगा आपको। जब आपका हाथ ड्राई होगा, आप उसको भाप के अंदर रखोगे तो भीना हो जाएगा, यानी कि वो भाप आपको यहाँ पे वेट, आपका हाथ है वो वेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से आपको पता चलता है कि जो भाप होती है उसको हम यहाँ पे गर्म होती है तब वो ड्राई हो जाती है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा रखेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे तो वो यहाँ पे बूंद 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 बन जाएगी। वो बूंद को आप यहाँ पे और ठंडा करोगे तो एक साथ इकट्ठा करके पानी में रूपांतरित कर सकते हो। तो इस तरह का काम यहाँ पे सरफेस कंडेंसर के अंदर होता है दोस्तों, जो यहाँ पे अपना कूलिंग टावर है उसके थ्रू यहाँ पे जो ठंडा पानी है उसको ट्यूब में, सरफेस कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब रखी उसके अंदर से निकाला जाता है। तो ये सरफेस कंडेंसर के अंदर से जो ट्यूब निकलती है उसके अंदर से ठंडा पानी निकाला जाता है, वो यहाँ पे स्टीम टर्बाइन में से आई हुई जो यहाँ पे भाप है उसको ठंडा करने का काम करती है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये पानी में रूपांतरित हो जाएगा दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे सोलर रेडिएशन की साइकिल है दोस्तों, समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन यहाँ पे स्टीम की वजह से घूमेगा। अब उसके साथ में हम यहाँ पे मैकेनिकल कपल कर देते हैं जनरेटर को, अब जनरेटर इसके साथ में घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने यहाँ पे जो मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट है उसके बारे में दोस्तों। आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने का ट्राई करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब थोड़े से पॉइंट मैंने नोट डाउन किए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स बना के रखे ताकि जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कभी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है तो पॉइंट आपको लिखे हुए होंगे, नोट बनी होगी, तो आप एग्जाम या फिर कहीं पे भी आप इजिली उसका इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा तो नहीं, यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फ्लू टेम्परेचर 150 से लेके 300 सेल्सियस तक रहता है, उसको सिलिंड्रिकल लाइन फोकसिंग पैराबोलिक एरे यहाँ पे इसमें यूज होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा लिक्विड हीटेड होता है वो हीट जनरेट बाय द सन रेडिएशन, यानी कि सूर्य की किरणों की वजह से यहाँ पे उसको सन को रेडिएशन से मदद से यहाँ पे ट्यूब में एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँ तो इंसुलेटेड एक टैंक रखी जाती है, उसके अंदर दो यहाँ पे सेपरेट पार्ट गर्म पानी और ठंडा पानी रखा जाता है दोस्तों। अब आगे बात करूँ यहाँ पे तो हीट एक्सचेंजर भी होता है, जिसका यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला यहाँ पे पानी उसमें से पसार किया जाता है, तब जबकि यहाँ पे गरम पानी की जो यहाँ पे उष्मा होती है उसको हाई प्रेशर स्टीम में रूपांतरित किया जाता है दोस्तों। उसके साथ में हम बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम होती है जो टर्बाइन की यहाँ पे प्रसार करने के बाद उसमें एक्सपांसन होता है, जब यहाँ पे स्टीम की उष्मा ऊर्जा शक्ति होती है उसको यहाँ पे यांत्रिक शक्ति में हम यहाँ पे रूपांतरित कर सकते हैं। उसके साथ में हम यहाँ पे जनरेटर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टर्बाइन में जो स्टीम होती है वो यहाँ पे जो एटमोस्फियर का टेम्परेचर होता है उसके कम यहाँ पे प्रेशर पे रखा जाता है और यहाँ पे कंडेंसेट लिया जाता है। उसके बाद जो ट्यूब में से पानी ठंडा होता है, ठंडा पानी यहाँ पे पसार किया जाता है।
जब स्टीम में से पानी में रूपांतरित किया जाता है उसको, तो यहाँ पे कंडेंसेट की वजह से यहाँ पे उसको रूपांतरित किया जाता है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की वजह से यहाँ पे कंडेंस पानी यानी कि कंडेंसेट यानी कि पानी है उसको यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे भेजा जाता है दोस्तों। तो इस तरह का यहाँ पे छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है दोस्तों, आप उसको देख सकते हो। और आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी और ज्यादा आपको देना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल अंदर सारथी को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सेम टू सेम वीडियो आपको थोड़ी देर में गुजराती लैंग्वेज में अपडेट होकर मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सोलर पावर स्टेशन और आगे और भी यहाँ पे काफी सारे विंड पावर स्टेशन सभी के बारे में वीडियो, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड सभी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। सेम टू सेम गुजराती और हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको और कोई भी वीडियो देखना है तो उसका आप टॉपिक का नाम सजेस्ट कर दीजिए, मैं उसके बारे में जल्द से जल्द वीडियो ला के आपको दिखाऊंगा। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।